अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म OMG 2 का टीज़र वीडियो रिलीज़ कर दिया गया। पिछली फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी और इस फिल्म से भी दर्शकों को काफ़ी उम्मीद है। चलिए जानते हैं टीज़र में क्या है खास। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी फिल्म OMG 2 का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज़ कर दिया गया था। फिल्म का टीज़र देखकर पहली नज़र में तो यही लगता है कि मेकर्स फिर एक बार वही पुराना जादू चलाने पाने की कामयाब रही। तो बारे में कुछ खास अंदाज़ा नहीं लगता। टीज़र वीडियो देख कर एक दो चीज़ें जो साफ हो जाती है कि वह पिछली कहानी जहाँ एक नास्तिक इंसान कांजीलाल मेहता के बारे में थी, वही एक कहानी एक आस्तिक इंसान यानी कांति शरण मुतकर के बारे में है, जो कि पंकज त्रिपाठी निभा रहे रोल। फिल्म के टीज़र वीडियो दिखाया गया कि कांति शरण एक बहुत ही धार्मिक आदमी है। वह लगभग रोज़ ही ईश्वर की आराधना करता है। हालांकि उसे इस बात का एहसास नहीं है कि चुपचाप ही सही, लेकिन महादेव भी उस पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। अक्षय कुमार महादेव के किरदार में बहुत कमाल के लग रहे हैं और पार्ट वन की तरह इस पार्ट में भी भगवान कलयुग में भी अपने भक्तों के बीच है और उनकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी कांति शरण मुतकर का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो कि एक कोर्ट में मामूली नौकरी करते हैं। पिछली बार कृष्ण का किरदार निभा चुके अक्षय कुमार इस बार महादेव का रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। टीजर का तो हर सीन अपने आप में आकर्षक है, चाहे रेलवे स्टेशन पर महादेव का इंसान के रूप में पानी के नीचे नहाना, या फिर पीछे का बैकग्राउंड, या उनमें सिर से ठीक ऊपर चंद्रमा का दिखना, और घर से निकलने के बाद उनके पीछे पीछे नंदी बाबा का चलना हो, या फिर नदी से निकलने के बाद अपने भक्त पर उनका गंगा जल छिड़कना।